हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बेसन की सब्जी कि बेसन की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप बेसन लिया था और इसमें बेसन लिया था और गरम मसाला डाला था और नमक स्वाद अनुसार, और इसको पानी में घोल बना लेंगे ऐसे, ये देखें। और 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था सेट होने के लिए, और जब ये सेट हो जाएगा तब इसका बनाएंगे। ये देखिए बनाते हैं इसका। और मैंने 2 बड़ा प्याज लिया था, 1 टमाटर लिया था, अदरक लिया था, 1 लहसुन का गांठ लिया था और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर मैंने 1 ही लिया था क्योंकि ज़्यादा मुझे खट्टा पसंद नहीं है, और आप लोगों को अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 टमाटर ले सकते हो। तो और हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिया था, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने खड़ा मसाला लिया था, खड़ा मसाला का मैंने पेस्ट बनाया है। जैसे खड़ा मसाला में मैंने लिया था जीरा लिया था, सौंफ लिया था, धनिया लिया था और लौंग लिया था। तो उसका मैंने पहले इसको फ्राई करके उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है। फ्राई करने से ये होता है ना कि इसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया पहले, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि कैसे बनाते हैं बेसन की सब्जी। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन या तावा ले लेंगे, फिर गैस को ऑन करेंगे, थोड़ा हीट हो जाए उसके बाद। तो ये हीट हो गया है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब सरसों के तेल में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो मैंने सरसों का तेल लिया है तो इसमें फैला देंगे इसको। इसमें जैसे चिल्ला बनाते हैं वैसे इसको ही बनाएंगे, अच्छा करके इसको फैलाते जाएंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, तो ऐसे पूरा फैला देंगे। एक तरफ पूरा मतलब पूरा फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तब इसको पलटेंगे। फिर ऐसे मोड़ के इसको उलट लेंगे। उसके बाद पीसेस काट लेंगे। हो गया है, फिर गैस को बंद कर दिया। तो मैंने इसका पीसेस काट लिया है, ये छोटे पीसेस में ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये थोड़ा सा टूट गया है लेकिन जो था उसका मैंने पीस बना काट लिया है। तो और एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अंदाज़ से मैं 2 या 3 टेबल स्पून आप ऑयल डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब ये गर्म हो जाए तो इसमें 2 रेड वाली मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, तो इसलिए आप नहीं भी डाल सकते हैं। और 2 इलायची छोटी वाली और तेज़पत्ता डालेंगे इसमें, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा का छौंक लगाने के लिए। जीरा थोड़ा डालेंगे से क्या होता है टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। जब अच्छे से चटक जाए थोड़ा फ्लेम को कम कर देंगे। ये अच्छे से हो गया, चटक गया। तो इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया है प्याज टमाटर और उसका,
टमाटर लहसुन अदरक का, तो वो ये पेस्ट इसमें डाल लेंगे। और इसमें से वायर ना निकल जाएगा, तो फ्राई करते रहेंगे इसको। फ्लेम को तेज कर देंगे। इसको मैंने 10 मिनट तक फ्राई किया है, ये रेड हो गया। अब इसमें मैं खड़ा मसाला डालूंगी जो मैंने पीस के रखा था, और इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये 5 मिनट तक फ्राई मैंने कर लिया है। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी, टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है और स्वाद अनुसार नमक आप डाल सकते हैं। और 5 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे। हल्दी अच्छे से पक जाए, इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसमें क्या होता है ना कि सारा रहता है हर चीज, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं ये गरम मसाला डालूंगी। अब स्मेल आने लगा, जब अच्छे से ये बुझा जाएगा और स्मेल आने लगेगा, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये फ्राई हो गया, और इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा बनाएंगे रोटी और चावल के साथ खाने के लिए। तो और इसको हाई फ्लेम कर देंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक बॉयल हो जाएगा। जब उसमें बॉयल होने लगेगा तब इसमें मैं बेसन का जो कट कर रखा है मैंने पीसेस, ये मैं डालूंगी। तो इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें मैं सारे ये पीसेस डाल दूंगी जो मैंने कट कर रखा है। इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया है, फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। तो 10 मिनट हो गया, और ये देखें अच्छे से बॉयल हो गया है और सीझ गया। तो हमारा बेसन की सब्जी बन के तैयार हो गया। अब इसको रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ। तो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय।